गुजरात के लोगों ने कमाल कर दिया इस बार। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, पूरे देश में चर्चा हो रही है सूरत के चुनाव की कि सूरत के अंदर क्या हो गया। पूरे देश में चर्चा कर रहे हैं लोग, ये सूरत में क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, सूरत के लोगों ने चमत्कार कर दिया। आज मैं आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी पे जो विश्वास किया है, आम आदमी पार्टी को जो प्यार दिया है, मैं आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा एक एक उम्मीदवार, जिन जिन लोगों को आपने वोट दिया, एक एक पार्षद आपके प्यार पे खरा उतरेगा और अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। अभी मैं रोड शो से आ रहा हूं दोस्तों, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया आज, पूरे जहां से मैं चला, पूरे सड़क के ऊपर हर जगह इतनी भारी संख्या में लोग मौजूद थे और इतना प्यार आज मुझे मिला दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ गए आप लोगों का प्यार देखकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ये जो जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, 27 सीट आई हैं, ये गुजरात के लोग एक संदेश देना चाहते हैं। अभी दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, गुजरात के लोग संदेश देना चाहते हैं कि वो इन दोनों बड़ी पार्टियों से तंग आ चुके हैं। गुजरात के लोग कहना चाहते हैं कि इन दोनों पार्टियों की राजनीति को हम खत्म करना चाहते हैं। एक पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, दूसरी पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है। जनता कहती है हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें विकास चाहिए। राजनीति तुम अपने घर रखो, हमें तुम्हारी राजनीति नहीं चाहिए। जनता को राजनीति नहीं चाहिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी को राजनीति करनी नहीं आती, हमें भी राजनीति करनी नहीं आती, हमें केवल काम करना आता है, हमें केवल स्कूल बनवाने आते हैं, दिल्ली में बनाए हैं स्कूल हम लोगों ने, हमें केवल कॉलेज बनाने आते हैं, दिल्ली में बनाए हैं कॉलेज, हमें नौकरी देनी आती है। पिछले 5 साल में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, 10 लाख बच्चों। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें केवल और केवल काम करना आता है। गुजरात में 25 साल से भाजपा की सरकार है, 25 साल कम नहीं होते, 25 साल बहुत होते हैं, 25 साल में चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन आज गुजरात के युवा, आज हमारे गुजरात के बच्चे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं, तुमने 25 साल में कितने बच्चों को नौकरी दी? आज हमारे ये सारे बच्चे, ये जितना हाथ उठा के कर रहे हैं, ये सारे बच्चे पूछना चाहते हैं, ये सारे बच्चे भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की सरकार से पूछना चाहते हैं, बताओ तुमने 10-25 साल के अंदर कितने बच्चों को नौकरी दी? आज लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि 25 साल के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है, सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। लोग पूछना चाहते हैं 25 साल के बाद, 25 साल राज करने के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है?
गुजरात के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपना प्यार देने में, बीजेपी को भरपूर प्यार दिया, भरपूर उनको समर्थन दिया, 25 साल राज करने का मौका दिया। लेकिन आज गुजरात के गांव के अंदर किसानों को 8 घंटे की बिजली मिलती है। मेरे पास कई किसान आए थे गुजरात के, बोले भाई साहब ये जो पूरे देश में घूम घूम के कहते हैं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली है, गुजरात के गांव में किसानों को केवल 8 घंटे की बिजली मिलती है अपनी खेती करने के लिए, और कई गांव में वो बिजली रात को आती है। बिजली रात को आती है, किसान को पूरी रात उठ के और अपने गांव की सिंचाई, अपने खेत की सिंचाई, रात को खेत की सिंचाई करनी पड़ती है। लोग बीजेपी से पूछना चाहते हैं 25 साल के बाद तुम अपने किसानों को भी बिजली नहीं दे पाए, लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। आज लोग पूछना चाहते हैं कि 25 साल के बाद गुजरात के गांव में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, 25 साल में तुमने क्या किया। आज लोग पूछना चाहते हैं बीजेपी की सरकार से कि 25 साल के बाद गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत खराब क्यों है, सरकारी स्कूल खंडर क्यों है। आज लोग पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि 25 साल की सरकार के बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं होता, सरकारी इलाज अस्पतालों की हालत खराब क्यों है। दोस्तों, जो काम ये लोग 25 साल में नहीं कर पाए, हमने दिल्ली में 5 साल में करके दिखा दिया। हमने दिल्ली में 5 साल में करके दिखा दिया। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, केवल 5 साल में आज दिल्ली में सबको 24 घंटे बिजली मिलती है। 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, फ्री बिजली मिलती है दिल्ली में। यह दुनिया का 8वां चमत्कार है। आपने सुना होगा दुनिया में 7 चमत्कार हैं, दिल्ली में 75% जनता को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। उनके बिजली के बिल नहीं आते, उनके बिजली के बिल नहीं आते। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर 5 साल में दिल्ली में केजरीवाल फ्री बिजली दे सकता है, तो 25 साल में बीजेपी नहीं दे सकती क्या? मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात की जनता को चाहिए फ्री बिजली? चाहिए फ्री बिजली? तो बीजेपी से नहीं मिलेगी। दोस्तों, पिछले 5 साल में जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी, खंडर पड़े हुए थे सरकारी स्कूल, कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। आज आप लोग, इतने सारे लोग यहां खड़े हो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछना, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज्यादा अच्छे हो गए हैं। लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। इस साल हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% 98% नतीजे आए हैं। 98%, कभी सुना है सरकारी स्कूलों के नतीजे? आज गरीबों को भी अमीरों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। गुजरात में होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा? अगर केजरीवाल 5 साल के अंदर दिल्ली में कर सकता है, बीजेपी वाले 25 साल में नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, उनकी नीयत खराब है। पिछले 2 साल में दिल्ली में हमने 10 लाख से ज्यादा युवकों को रोजगार दिया है, 10 लाख से ज्यादा बच्चों को नौकरी दी है, नौकरी दिलवाई है। अगर हम लोग 10 लाख से, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 2 साल के 25 साल के अंदर गुजरात में कितने बच्चों को नौकरी मिली? आज गुजरात का बच्चा
दसवीं करने के बाद, बारहवीं करने के बाद कॉलेज में एडमिशन कर लेने के लिए धक्के खाता है। कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, डिग्री मिल जाए, तो उसके बाद नौकरी करने के लिए धक्के खाता खाता है कि नहीं खाता है? बच्चों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे गुजरात के युवा? 25 साल के अंदर बीजेपी ने बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दी? तो दोस्तों, जो काम ये 25 साल में नहीं कर पाए, हमने 5 साल के अंदर करके दिखा दिया। गुजरात में हमें 5 साल दे दो, आप इनके 25 साल भूल जाओगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि अभी जो शहरों के नगर निगम के चुनाव हुए, आप लोगों ने इतना जबरदस्त वोट दिया आम आदमी पार्टी को। परसों गुजरात के गांव में चुनाव है, गांव के लोग अगर मेरी बात सुने, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जैसे शहर के लोगों ने भारी समर्थन दिया, परसों भी सारे बटन केवल झाड़ू के दबने चाहिए, झाड़ू के दबने चाहिए। आप यहां जितने लोग आए हैं, आप लोग भी फोन करके अपने अपने दोस्तों को, गांव के अंदर अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को फोन करके बोल देना कि परसों झाड़ू पे वोट डलना चाहिए। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बहुत हो गया इनसे नौकरी मांगने का सिलसिला, बहुत इनसे नौकरी मांग ली, अब इनसे नौकरी नहीं मांगेंगे। अब आप सब लोग राजनीति में आ जाओ, अब हम सब लोग, अब युवा जाएंगे गुजरात की विधानसभा के अंदर और वो खुद अपने आप को नौकरी देंगे। अब हमारे युवा, गुजरात के युवा जाके गुजरात विधानसभा में बैठेंगे, अब गुजरात की विधानसभा में खुद बैठेंगे युवा और खुद अपने आप को नौकरी देंगे। अब भीख नहीं मांगेंगे इनसे नौकरी की दोस्तों। और दोस्तों, ये जो नतीजे आए हैं और आज जिस तरह का मैंने जनसैलाब देखा रोड शो में, और अभी मैं देख रहा हूं इतने जबरदस्त, इतनी भारी संख्या में यहां लोग मौजूद हैं, मेरा दिल कहता है कि आने वाले समय में कुछ अद्भुत होने वाला है गुजरात के अंदर। कुछ ना कुछ तो अद्भुत होने वाला है गुजरात के अंदर। कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई है, हो गई है कि नहीं हो गई है? तो मेरी कांग्रेस में कुछ थोड़े बहुत अच्छे नेता भी हैं, मेरे उन सारे कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं उनसे निवेदन है, उनसे अपील है, अब आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी में आ जाइए और भारतीय जनता पार्टी में जो जो देशभक्त है, भारतीय जनता पार्टी में जो जो गुजरात का भला चाहती है, उन सबसे अपील है, 25 साल में बीजेपी ने गुजरात का कुछ नहीं किया, अब आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी में आ जाइए। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी गुजरात को भविष्य देगी, गुजरात की 6 करोड़ जनता के साथ मिलके एक नया गुजरात बनाएंगे जिसमें 24 घंटे बिजली होगी, मुफ्त बिजली होगी, अच्छे सरकारी स्कूल होंगे, अच्छे सरकारी अस्पताल होंगे, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, किसानों को अपनी फसलों का पूरा दाम मिलेगा, जिसके अंदर हर युवा को नौकरी मिलेगी, हर युवा को रोजगार मिलेगा और दोस्तों जो खुशहाल गुजरात होगा। मैं हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी को दिया आम आदमी पार्टी को, और जो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने गुजरात में गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर युवाओं को जोड़ा है, लोगों को जोड़ा है, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। फिर से एक बार आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं, जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी में विश्वास किया और जिस तरह से आज
आप लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। भारत।